बोट राइडिंग कार्ड डाउनलोड करें अपने मोबाइल में नए डिजाइन का, इसी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे हो लक्ष्य डिटेल स्टूडियो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर बजा दें, आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले देखने को आपको। तो करते हैं स्टार्ट। मैं अपने डिस्प्ले पे आ चुका हूँ। डिस्प्ले पे आने के बाद सिंपली से मैं सर्च करना होगा वोटर हेल्पलाइन। तो ये वोटर हेल्पलाइन आपको ये ऐप पहले डाउनलोड कर लेना होगा। अगर ये आपने अभी डाउनलोड नहीं कर रखा तो पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सिंपली से थोड़ा सा वेट लेगा। वेट लेने के बाद इस ऐप पर पहले एक ऑप्शन नहीं छप के आया करता था। अगर आपने पहले अगर ये ऐप डाउनलोड कर रखा है तो इसे अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद सिंपली से कोने पे राउंड वाला सर्कल सा आ रहा होगा, यहाँ डाउनलोड करने का एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया, पहले ये ऑप्शन नहीं आया करता था। तो सिंपली से इसी ऐप पर आके और यहीं सर्कल वाले जो राउंड दिया गया है साइड में, जो इसी राउंड वाले पेज पे हम क्लिक कर देंगे साइड पर। यहीं जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक लॉगिन के लिए बोल रहा होगा। तो इसे लॉगिन या कैंसिल करें या लॉगिन करें, तो सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, जैसे यहाँ न्यू यूजर के लिए बोल रहा था, आप नए यूजर हो तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP सेंड करके अपना नाम और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले ये आप काम कर लें यहाँ, और ये क्लियर करने के बाद सिंपली से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद यहाँ अपना वो ही मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जो पासवर्ड वहाँ आपने बनाया था ना, वो अब आपको यहाँ फिल करना होगा। वो पासवर्ड अब यहाँ फिल करेंगे। अब आपने इतना काम कर लिया, अपना OTP फिल कर दिया और अपना पासवर्ड फिल कर दिया, तो लॉग इन नाउ पे इस पर क्लिक कर देंगे। लॉग इन नाउ पे तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे आपके पास एक नया पेज खुल के आता है तो आपको यहाँ दो तीन ऑप्शन छप के आ रहे होंगे। तो आपके पास सबसे ऊपर बोल रहा है आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है। अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो सिंपली से आप वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डाल दें। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर भी नहीं है फिर आपको क्या करना होगा, तो वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आपने जहाँ वोटर आईडी कार्ड अगर अप्लाई आपने करवा रखा है तो सिंपली से आके आप सेकंड वाले पे क्लिक कर देंगे और जो उसमें रजिस्ट्रेशन उन्होंने दिया होगा वो डाल के यहाँ से वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर भी नहीं है, तो उनके हिसाब से अब क्या करना होगा, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन लेके आया है इसमें ऐप। तो सिंपली से डिटेल सर्च पे आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है ये वाला सर्च बाई डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नाम, फादर का नाम, एज और जो आप मेल फीमेल ठीक, और राज्य और डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका एरिया लगता है वो डाल के यहाँ फिल कर देंगे। सर्च करते ही आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर ढूंढ के वापस आ सकते हो वहीं, और सिंपली से यहाँ क्लिक करोगे और वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ नेक्स्ट वाले क्लिक करके वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ फिल कर दोगे। तो वोटर आईडी कार्ड नंबर सिंपली से फिल कर ले रहा हूँ। वोटर आईडी कार्ड नंबर आपने फिल कर दिया है, तो वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको अब राज्य सर्च करना, स्टेट अपना जो क्या है आपका। तो मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश सर्च कर लिया है। और नीचे जैसे ही डालेंगे तो आपका नाम और सारी डिटेल्स यहाँ शो होने लगेगी। जैसे सारी डिटेल्स हमारी शो होने लगे और आपको जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली से आप नंबर जरूर चेक कर लें कि आपके पास क्या नंबर। मेरे पास OTP आ चुका है, OTP मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने OTP फिल करूँगा तो हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली से आप पहले अपना मोबाइल नंबर जरूर चेक कर लें आपके पास वो नंबर है या नहीं है। तो सिंपली से वेरीफाई डाउनलोड वाले पेज पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरा वोटर आईडी कार्ड कुछ इस तरीके का डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद इसे आप कहीं भी सेव कर सकते हो और ये हमारे पास हमेशा रहेगा, और कहीं भी इसे मैं दिखाना चाहूँ तो कहीं भी इसे मैं दिखा सकता हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए अंदाज में।